ओम शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। फ्रेंड, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। देखिए, एक तो मेरा ये कैक्टस फ्लावर कर रहा है, कैक्टस का फूल खिला है, और दूसरा आज मेरे अडेनियम में भी फ्लावर खिला है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आज मेरे अडेनियम में भी फ्लावरिंग हुई है सेकंड टाइम, और आज ही खिला है मेरा ये कैक्टस का फ्लावर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये कैक्टस की जानकारी दूंगी। उससे पहले मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के संग। आपकी सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। और फ्रेंड्स, एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। प्लीज़ देखिए, हम लोग बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, और प्लीज़ अगर आप पूरा नहीं भी देख सकते तो प्लीज़ जितना आप देख सकते हैं प्लीज़ ट्राई कीजिए। तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे कैक्टस प्लांट के बारे में। तो देखिए, मेरा ये कैक्टस है ममलेरिया। इसका नाम क्या है? ममलेरिया। और ये मेरे पास बहुत सालों से है, मुझे याद भी नहीं है मेरे पास ये कब से है, पर मैंने इसकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं की और ये शेडो में पड़ा रहा। शेडी एरिया में मैंने इसे रखा और ये वहीं पर ग्रोथ करता रहा। इसकी ग्रोथ तो अच्छी थी पर कभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। और इस बार मैंने इसको क्या किया है कि फरवरी मार्च से ही मैंने इसको रखा है बिल्कुल ऐसी जगह में जहाँ पर सारा दिन की धूप इसे मिलती है। ये तो मैं अभी वीडियो बनाने के लिए इसको उतार कर लेकर आई हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत ही धूप है। एक्चुअली मैं सुबह सुबह इसका ना ये बड खिला हुआ, तो बहुत ही बड़ा बड था इसका, बहुत बड़ी कली थी, जैसे इसकी होती है ना अडेनियम की, जैसे ये है इसकी कली, इससे भी बड़ी इसकी कली थी। और मुझे लगा कि अभी इसको खिलने में टाइम लगेगा, पर अभी मैं बाहर आई हूँ तो मैंने देखा ये तो खिला हुआ है, और मुझे लगा कि कहीं मुरझा ना जाए, और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी। तो अभी मैं इसको उतार कर लेके आई हूँ, शेडी एरिया में मैंने रखा है और वहाँ पर मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है ममलेरिया कैक्टस, और इसकी मैंने कभी भी कोई केयर नहीं की। इस बार मैंने बस इतना किया कि इसे धूप वाले एरिया पे, जहाँ पे सारा दिन की इसे धूप मिलती है, ऐसी जगह पे रख दिया पैराफिट वॉल पर। और इसके अलावा मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, मतलब ना कभी इसको कोई कंपोस्ट डाली, ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला, ना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डाला, सिर्फ पानी मैंने डाला है इसको। पानी भी मैंने इसको तब डाला है कि इसमें देखिए ये प्लांट, ये गॉम्फ्रेना का प्लांट है, ये अपने आप ही ग्रो हो गया है इसमें। तो मैं इसको डेली वाटरिंग करती थी क्योंकि ये गॉम्फ्रेना का प्लांट और इसके फ्लावर्स जो हैं तो ये खिलते रहें और इसके लीव्स ना सूखें, इसीलिए मैं इसको डेली वाटरिंग करती रही इस गर्मी के सीज़न में, पूरी गर्मी के सीज़न में, मॉनसून को छोड़कर। और देखिए, ये लगा है मेरे मिट्टी के पॉट में। देखिए, मैंने एक मटके को हाफ कट किया है और उसमें लगाया है इसको, ठीक है। तो मैंने इसको पूरा टाइम वाटरिंग की है मॉनसून का सीज़न छोड़कर, और मॉनसून के सीज़न में मैंने इसे बारिशों से भी बचाया है। जब कंटिन्यू बारिशें हो रही थी तो भी मैंने इसको उतार कर शेड के नीचे रख दिया था, बस इतनी मैंने इसकी केयर की है। और देखिए आज मुझे रिजल्ट क्या मिला है, इतनी सुंदर फ्लावरिंग, मैंने फर्स्ट टाइम इसकी फ्लावरिंग देखी है। देखिए इसमें कितना ब्यूटीफुल फ्लावर आया हुआ है, और हो सकता है कि इसमें और भी कलियां बने, क्योंकि देखिए लग तो रहा है कि यहाँ पे कलियों की फॉर्मेशन हो रही है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, तो लग रहा है कि इसमें और भी कलियां बनेंगी और भी ये फ्लावरिंग करेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए, इस कैक्टस के बारे में, ममलेरिया कैक्टस को मैंने कई बार, देखिए मैंने इसे छोटे से पॉट में, इतने से पॉट में इसे लगा के रखा और इसकी ग्रोथ वहाँ पर भी अच्छी हो रही थी, पर जब मैंने इसको रिपॉट किया ना तो मैंने देखा इसकी जो रूट्स होती हैं, जैसी मूली होती है ना रेडिश, वैसी इसकी रूट्स होती हैं, मोटी मोटी सी, बड़ी बड़ी सी, और वो मेरे छोटे से पॉट में आ नहीं पा रही थी। देखिए, सबसे पहले मैंने इस पॉट में इसे लगाया हुआ, और फिर मैंने यहाँ से खाली करके इसको यहाँ पर लगाया है। तो इस पॉट में ना उसकी रूट्स जो है वो आ नहीं पा रही थी, तो मैंने उनको कट कर दिया,
बिना सोचे समझे कि पता नहीं ये बचेगा या ना नहीं बचेगा, तो मैंने उनको कट कर दिया, ना कोई फंजीसाइड लगाया, कुछ भी नहीं किया, और दोबारा से रिपोर्ट कर दिया मैंने इसी पॉट में। और वो इस पॉट में फिर से अच्छे से ग्रोथ करने लगा। पर जब इसके बहुत सारे पप्स बन गए, पप्स देखिए ये सारे पप्स इसके साथ के बने हुए हैं ये, तो फिर वो पॉट इसके लिए छोटा पड़ने लगा। फिर मैंने इसको रिपोर्ट करके इस बड़े पॉट में शिफ्ट किया है, ठीक है। और मैंने क्या की है इसकी केयर की, ये जो इसके बेबी बन रहे हैं ना, ये छोटे छोटे ये इसके बेबीज बन रहे हैं, इनको मैं कट करती रही, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे ये जो कैक्टस है इसका साइज बिग हो। एक्चुअली मैंने इसकी वीडियो भी बना रखी है कि आप अपने कैक्टस का साइज कैसे बिग करें, आप चाहें तो देख सकते हैं, वो मेरी स्टार्टिंग की वीडियो है, शुरू की वीडियो है, उसमें मैंने बना रखी हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो मैं चाहती थी इसका साइज बिग हो, इसीलिए मैं ना इसके ये पप्स है बस इनको टाइम टाइम से इस तरह से हटाती रही, एक शार्प चीज़ लेके। देखिए कैक्टस के साथ जब भी आपको काम करना है तो एक तो आप ग्लव्स पहने और दूसरा आप एक शार्प चीज़ ले लें, उससे फिर आप इसके ये पप्स को हटाएं। वैसे ये जो इसके थॉर्न है ना, इसके जो कांटे हैं, ये बाकी कैक्टस के मुकाबले काफ़ी सेफ हैं। क्यों? क्योंकि देखिए नीचे की तरफ झुके रहते हैं, अगर हम ऐसे ऊपर से दबाते भी हैं ना तो ये हमें चुभते नहीं, मतलब इसके कांटे सीधे खड़े नहीं रहते हैं, नीचे की तरफ स्टार शेप में ऐसे झुके रहते हैं। तो इसके मैं ये निकालती रही टाइम टाइम से पप्स। और देखिए मैंने इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया इन पप्स को निकालने के अलावा, और वाटरिंग करने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। और ये मेरा देखिए कैक्टस, मुझे लगता है कि ये जब मैच्योर होता है ना तब ये फ्लावरिंग करता है। और देखिए इसका साइज़ बहुत बड़ा तो नहीं है पर ठीक ठाक सा है, तो तब शायद ये फ्लावरिंग करता है, ठीक है। अब तो मुझे समझ में आ गया है, तो मैं अब ये जो दूसरे इसके पप्स हैं ना इनको भी अलग अलग पॉट्स में लगाऊँगी और फिर देखती हूँ कि इनकी ग्रोथ कैसे होती है। अब अगर आप सॉइल की बात करें तो मैंने बिल्कुल सैंडी सॉइल इसके लिए बनाई है, कोई कंपोस्ट नहीं डाली, सिर्फ सैंड और मिट्टी का मिक्सचर लिया है। सैंडी सॉइल इसके लिए बेस्ट होती है, आप चाहें तो इसमें कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। कभी कभी बीच में मैं जब लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती थी ना वर्मी कंपोस्ट का, तो वो कभी कभार मैंने इसको दिया, मतलब पूरी साल में समझिए कि दो बार मैंने दिया होगा। जब और प्लांट्स को देने से वो बच जाता था ना, तब बेचारे इसकी टर्न आती थी, अदरवाइज़ मैंने इसको कभी कुछ नहीं दिया है। तो सॉइल की बात मैंने कर ली कि सैंडी सॉइल आप इसके लिए बनाएं, सैंड का पोर्शन ज़्यादा रखें या 50-50 का रेशियो बना लें, और कंपोस्ट भी डाल रहे हैं तो फिर आप इसमें एक पार्ट सैंड ले लें, एक पार्ट सॉइल ले लें, एक पार्ट वर्मी कंपोस्ट ले लें, और इस तरह आप इसकी सॉइल बनाएं। चाहें तो चारकोल के पीसीज भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बजरी भी, जैसे अडेनियम के लिए बनाते हैं ना हम सॉइल, बिल्कुल वैसी बनाएं इसके लिए, ठीक है। और सारा दिन की धूप में आपको इसको रखना है, बारिशों से इसको बचाना है, और ओवर वाटरिंग कभी नहीं करनी है, और हो सके तो इसे मिट्टी का पॉट दें, प्लास्टिक का पॉट ना दें, उसमें इसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं, और इसे मिट्टी का पॉट दें आप। और फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो देखिए अक्सर सुनने को मिलता है कि कैक्टस में अगर आपकी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपको इसमें पोटाश डालना पड़ेगा या फिर केमिकल की तरफ जाना पड़ेगा, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी मेरे कैक्टस में फ्लावरिंग हो रही है। तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप चाहे तो केमिकल फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, चाहे तो इसमें आप जो सरसों की खली का हम बनाते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र वो भी डाल सकते हैं, पर वो आपको तभी डालना है जब आपके इस प्लांट की सॉइल बिल्कुल सूखी हो और आपने इसे फुल धूप में रखा हो ताकि इसमें फंगस ना लग पाए, ठीक है। अगर पॉट साइज़ की बात करें तो देखिए ये बहुत फैलता है, और इस नीचे से इसके रूट्स ना मूली के जैसे होते हैं, तो नीचे को भी ये काफ़ी फैलता है। तो आपको इसके लिए इस तरह का देखिए चौड़ा वाला पॉट लेना है, जो ऊपर से देखिए इस तरह ब्रॉड हो, और उसकी डेप्थ देखिए बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरे इस पॉट की डेप्थ आप देखिए, ये मेरे ख्याल से 6 या 7 इंच की डेप्थ इसकी होगी, ठीक है, इतनी इसकी डेप्थ है, या 8 इंच की भी हो सकती है। तो इतना इसके लिए पॉट लेना है। और मेन चीज़ कैक्टस के लिए क्या होती है, बस धूप, धूप में आप इसे रखिए और आपका कैक्टस अच्छे ग्रोथ करेगा। टाइम टाइम से इसके पप्स निकालते रहिए। और प्लेसमेंट की बात मैंने कर ली, और पॉट साइज़ की बात भी कर ली, फर्टिलाइज़र की भी और वाटरिंग की भी और सॉइल मिक्सचर की भी। तो देखिए ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया।
और देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्लावर खिला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने गार्डन फ्रेंड के संग, हो सकता है उनकी भी कुछ हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, ओम शांति।